दोस्तों अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के पांचवें दिन का मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार जो बांग्लादेश की टीम पहले टेस्ट मैच में थी हार के करीब, अब वो पहुंच चुकी है जीत के नजदीक। आखिर क्या चल रहा है मैच का स्कोर? बांग्लादेश को बस चाहिए कितने रन बनाने के लिए और कितने विकेट चाहिए भारत को अब यहां से जीतने के लिए? मोहम्मद शमी ने कैसे कर दिया है चमत्कार, सब आपको वीडियो में पांचवें दिन की लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से ये पहला टेस्ट मैच पांचवें दिन कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला आखिरकार ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से ना बांग्लादेश की टीम की जीत पक्की नजर आ रही है और ना भारत की। दरअसल दोस्तों इस मुकाबले में हुआ यह था कि बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांटू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जहां भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा के शतक तो ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल की धुआंधार बल्लेबाजी के बलबूते पर 508 रन का विशाल स्कोर बनाया था। अब दोस्तों जवाब में उतरी जब भारत के खिलाफ बांग्लादेश की टीम, तो पहली पारी में बांग्लादेश की पूरी पारी 234 रन पर ही समाप्त हो गई। अब दोस्तों भारतीय टीम को इस आधार पर 274 रन की बढ़त मिल चुकी थी और जब फिर तीसरे दिन भारत की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहां पर टीम इंडिया 239 रन बनाकर पारी को घोषित कर देती है, जहां 443 रन का लक्ष्य बांग्लादेश के आगे रखा जाता है। अब दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने चौथे दिन का मुकाबला समाप्त होने तक लिटन दास और मुस्फिकुर रहीम की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बलबूते पर 291 रन बना लिए थे और 474 रन का वैसे भी लक्ष्य बांग्लादेश के आगे था। अब दोस्तों यहां पर बांग्लादेश को आज पांचवें दिन मैच जीतने के लिए मात्र 183 रन की आवश्यकता थी और यहां पर लिटन दास ने भारत के खिलाफ ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, लिटन दास ने यह सोच लिया था कि वो भारत की टीम को किसी भी हाल में जीतने देना नहीं चाहते, इसलिए लिटन दास ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले तो अपना शतक पूरा किया। यहां पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी काफी दुविधा में पड़ गए कि आखिरकार लिटन दास का विकेट कैसे गिराया जाए, क्योंकि लिटन दास रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर लिटन दास और मेदी हसन मिराज मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने आकर भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई, जहां लिटन दास अंदर आते हुए मोहम्मद शमी की बाउंसर लेंथ की गेंद पर फंस गए और अपना कैच सीधा विराट कोहली के हाथों में थमा बैठे और भारतीय टीम को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और दोस्तों इस विकेट के बाद अब बांग्लादेश की टीम को मात्र मुकाबला जीतने के लिए 41 रन की जरूरत है। हालांकि दोस्तों मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी करवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत ही जल्दी बांग्लादेश के बचे हुए 3 विकेट भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर बांग्लादेश की तरफ से अभी मेदी हसन मिराज, हसन महमूद और सौरिफुल इस्लाम बचे हुए हैं बल्लेबाजी के लिए। हालांकि अगर भारत को यह मुकाबला जीतना है तो 41 रन बांग्लादेश के बनाने से पहले टीम इंडिया को यह कारनामा करना होगा, वरना भारत यह पहला टेस्ट मैच अपने हाथों से गवा देगी और टीम इंडिया को काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाजे से भी अगर देखा जाए तो। ऐसे में दोस्तों हर किसी को यही उम्मीद है कि टीम इंडिया ही यह मुकाबला जीतेगी। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं, क्या भारतीय टीम यह मैच जीतने में कामयाब होगी या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।